मेरे बच्चों, आई होप सब बहुत ही मस्त हो गया और जम के पढ़ाई कर रहे हो। मिस्टर विशाल भैया, आई वेलकम यू ऑल इन येट अनदर सेशन ऑफ आर सीरीज जो आईसीसी के लॉन्च करी गई है। यार वन शॉट में पूरा पूरा लेक्चर कवर कर रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट वीडियो ऑफ मशीन्स क्लास 10th फिजिक्स आईसीसी का थर्ड चैप्टर आज करेंगे खत्म विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑल इन प्लेस। बच्चों क्या करना है, कोई पर निकाल लेना है। ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टर्म्स में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे पहले तो आपसे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनते हैं आपसे। मशीन, लीवर और पुली तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तीनों को अगर आपने ग्रिप कर लिया तो आई कैन एश्योर कि पूरे में पूरे मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर से। और बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है इनिशियली, क्योंकि यार वो नहीं जानते लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, एफर्ट आर्म, लोड आर्म, टाइप्स ऑफ लीवर, पुलीज, उनके बारे में कभी उन्होंने पहले नहीं पढ़ा है। दैट इज व्हाई दिस चैप्टर सीम्स टू बी डिफिकल्ट इन अ वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ द लर्निंग। बट अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे, रीडिंग ऑफ द बुक्स, मेकिंग योर नोट्स एंड देन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, तो ये चैप्टर आराम से बन जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। ठीक है, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, कोई पेन निकालो। ठीक है, जल्दी से चालू करते हैं चैप्टर को। बहुत ही कंसाइज, बहुत ही छोटे डेफिनेशन से पूरा चैप्टर समराइज करा हुआ है। मजा आ जाएगा पढ़ के, आई कैन एश्योर यू मजा आ जाएगा पढ़ के। बस लास्ट तक देखना वीडियो को और मजा आ जाए। तो यू नो द ड्रिल, क्या करना है आपको खुद पता है। चलो बिना मुझे फर्दर डिले, स्टार्ट द टॉपिक विद द वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। और बहुत ही कमाल के डेफिनेशन शुरुआत में ही है, तो भैया बने रहिए, चालू करते हैं। चलो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मशीन। तो भाई साहब मशीन्स का जो पहला मेरा जब मैंने पहली बार मशीन्स का नाम सुना था, तो वो था एक बहुत ही अमेजिंग मूवी, आई थिंक यू ऑल कैन रिकॉल, दैट्स थ्री इडियट। जब वो पहली बार आई थी, वो मेरा पहला डायलॉग जो मैंने सुना था थ्रू रैंचो, इन बिटवीन रैंचो एंड जो हमारा साइलेंसर था उनके बीच में, बहुत बहुत कमाल का था। वहीं से मैंने भी लर्निंग करी मशीन्स के, उसके बाद करिकुलम का पार्ट बना, वहां से भी सीखा। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, मैं अभी जैसे मैंने सीखा था वैसे ही स्टार्ट करेंगे। तो भाई पहले हमारे साइलेंसर भाई ने क्या बोला अबाउट द मशीन्स, रीड करते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो व्हाट व्हाट आर मशीन्स। मशीन्स आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉडी सो कनेक्टेड दैट देयर रिलेटिव मोशंस आर कंस्ट्रेंड एंड बाय व्हिच मीन फोर्स एंड मोशन मे बी ट्रांसमिटेड एंड मॉडिफाइड एज अ स्क्रू एंड इट्स नट और अ लीवर अरेंज्ड टू टर्न अबाउट अ फुलक्रम और अ पुली अबाउट इट्स पिवट एक्सेट्रा। स्पेशली अ कंस्ट्रक्शन मोर और लेस कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ अ सिंपल मैकेनिकल एलिमेंट एज व्हील्स, कैम्स, लीवर्स एक्सेट्रा। बहुत बढ़िया, कुछ समझ नहीं आया, समझना था भी नहीं, क्योंकि हमें जो डेफिनेशन समझनी है वो है हमारे रेंचो की डेफिनेशन। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे रेंचो की डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन से हम लर्निंग को स्टार्ट करेंगे। ये डेफिनेशन बस शो के लिए थी, आपको इसको लर्न नहीं करना है, इससे कोई ताल्लुकात आपका नहीं है। क्या बोलती है रेंचो की डेफिनेशन, उस पे चलते हैं ना। व्हाट रेंचो, रेंचो सेड, सर वो हर चीज जो आपका एफर्ट बचाए और कम टाइम में, उसको बोलते हैं मशीन। एनी मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट। वो हर चीज जो इंसान का काम आसान करे और वक्त बचाए वो मशीन है। जैसे कि आप, बहुत सिंपल, गर्मी लग रही है, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है। आप मीलों दूर अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है। करोड़ों का हिसाब सेकंड्स में करता है कैलकुलेटर, मशीन है। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है। यस, दैट्स व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द मशीन इज। और आपको भी यही डेफिनेशन याद रखनी है, लेकिन हम उसमें इसको फ्रेम कर रहे होंगे क्योंकि हमें एग्जामिनेशन तक लेके जाना है। तो इस डेफिनेशन को देने के बाद आपसे भी टीचर ने बोलते हैं गेट आउट, इसीलिए हम थोड़ी सी रिफाइंड डेफिनेशन पढ़ेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक का पार्ट है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई, यही बात होगी, थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, कुछ टर्म्स ऐड करेंगे एंड दैट्स इट। चलो मशीन डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म समझने पड़ेंगे हमको, लोड और एफर्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले लोड की और एफर्ट की। लोड क्या होता है सर, लोड क्या होता है, वो भार बोलते हैं उसको, जिसको करने के लिए हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो दो चीजें होती हैं, जैसे कि बहुत सिंपल, हम लोग क्या पानी खींचते हैं, पानी खींचते हैं, हम लोग नहीं खींचते, हमने देखा हुआ है कि गाँव में जनरली हम लोग जो हमारे वो होते हैं कुएं होते हैं, कुएं से हम लोग पानी को खींचते हैं, जब पानी को खींचते हैं तो जो बकेट होती है वो बन जाती है लोड, और जो रोप को हम लोग ऊपर खींच रहे होते हैं, जो फोर्स लगा रहे होते हैं, वो हमारा हो जाता है एफर्ट। बिल्कुल सही, बहुत सिंपल। जैसे यहां पर देखो, अब जैसे यहां पर ये एक मास रखा है, तो ये क्या है, एक लोड है, और उसको काटने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं, गाजर को काटने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज आर एफर्ट। तो लोड और एफर्ट को समझना पड़ेगा। लोड क्या है सर, वो वर्क जिसको हम लोग अकम्प्लिश कर जाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग जाना चाहते हैं वो लोड है, और जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं अपनी उससे ऊपर जाने के लिए वो हमारा एफर्ट है। जैसे कि बहुत सिंपल सीसो की अगर बात करो आप, मानो ये एक हमारा सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है, यह हमारा एक सीसो का पैनल है, यहाँ पर एक पर्सन बैठा है, तो ये अगर
ये पर्सन को हमें ऊपर या नीचे करना है, तो इधर से हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये हमारा लोड हो गया, और इस लोड को फिर हम लोग उसके इस मास अकॉर्डिंग ऊपर और नीचे कर सकते हैं। जिस पॉइंट से ये फिक्स होता है उसको बोलते हैं फलक्रम। तो फलक्रम, लोड और एफर्ट, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमको, समझेंगे अभी आगे। पहले तो लोड और एफर्ट पर ध्यान देते हैं। लोड इज अ फोर्स अप्लाइड बाय अ मशीन ऑन द बॉडी। अगेन बच्चों, व्हाट इज लोड? लोड इज अ फोर्स, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स ऑब्वियसली, अप्लाइड बाय अ मशीन ऑन अ बॉडी On which the work is to be done, जिसमें हमें काम करना है, उसको करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, that is, उसको ओवरकम करने के लिए, that is load. और जो कम ओवरकम कर रहा है, effort is a force applied to a machine to do the mechanical work. वो क्या है हमारा? वो है हमारा effort, ठीक है? तो load और effort समझो पहले, तो feel लो बहुत अच्छे से, लो अंदर तक इसको लेके जाओ, क्योंकि इस टॉपिक पे ही पूरा चैप्टर बेस होगा हमारा, ठीक है? लोड क्या है सर? इसको हमको मूव कराना है, एफर्ट जो फोर्स लग रहा है उसको मूव कराने के लिए, सिंपल, एक सिंपल लाइन में याद रखो, ठीक है? चलो ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों। एग्जांपल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ, जैसे यहाँ पे देखो, फिर से वाला एग्जांपल देख पा रहे हो आप? अब यहाँ पर अगर इस गर्ल को, इस बच्चे को, इस बॉय को ऊपर नीचे करना है, ठीक है, इसका मूवमेंट कराना है इसको, तो क्या इसको कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा? या फिर अगर इसको कराना है तो इसको कुछ लगाना पड़ेगा एफर्ट? तो एक इसमें लोड बन जाएगा, एक इसमें एफर्ट बन जाएगा। जो भी ऊपर नीचे कराना चाहता है वो उसका लोड है, ठीक है? चलो जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों, यू कैन सी नाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग। अब देखो ये चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा है, राइट? तो जब ये एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या यहां से ये एफर्ट लगा रहा है और ट्राई कर रहा है इस लोड को, मतलब इस मास को अपलिफ्ट करने के लिए, तो ये क्या हमारा हो जाएगा? लोड, राइट? और जितना ये फोर्स लगाएगा ये हमारा हो जाएगा एफर्ट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अस लोड एंड एफर्ट। जैसे यहां पर इसका जो ये मास है हमारा, ठीक है, दैट इज आवर लोड्स, और इसको मूव करने के लिए फोर्स लगाया जा रहा है, दैट इज द एफर्ट। आई थिंक आपको लोड और एफर्ट यहाँ पे समझ आ रहा है, बहुत कोई डिफिकल्टी नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, मशीन्स हेल्प अस टू परफॉर्म द डेली टास्क की बात करते हैं, कि कैसे मशीन्स हमें डेली डेली टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करती है इन द बेटर एंड एफिशिएंट, क्या क्या कर सकती है वो। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शन एंड द यूजेस ऑफ द सिंपल मशीन्स। एक सिंपल मशीन्स के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या उसके यूजेस हैं, जिससे कि हम लोग इस टॉपिक्स में और मशीन्स को अच्छे से जान पाए। द मुद्दा इज टू नो द मशीन्स बेटर, क्योंकि मशीन्स को जानने से आप, हो सकता है इन फ्यूचर मशीन्स खुद इनोवेट कर रहे हो, अभी आप सिंपल मशीन पढ़ रहे हो, आगे आप कॉम्प्लेक्स मशीन्स को पढ़ोगे, और उनके बाद आप, हो सकता है कि खुद ही कुछ मशीन्स डिजाइन करो। क्योंकि बिलीव मी और नॉट बच्चों, बहुत मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में जितनी भी रोबोट्स यूज होते हैं वो मशीन्स ही हैं, और उनको डिजाइन करना, उनको नए नए इनोवेट करना, आप देखते हो कि पुल्स को बनाने के लिए, ब्रिजेस को बनाने के लिए कितने बड़े बड़े आजकल मशीन्स का डेवलपमेंट होता है, तो वो भी तो मशीन्स ही हैं। बट हाँ, वो सिंपल मशीन से ही कॉम्प्लेक्स हुई है, लेकिन कॉम्प्लेक्स समझने के लिए पहले सिंपल को समझना पड़ेगा। तो दैट इज द मोटिव ऑफ द चैप्टर, कि अगर हम लोग कल को अगर जाते हैं हम लोग मैकेनिकल फील्ड में, दैट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर हम लोग ऐसी डिजाइन इंजीनियरिंग में जाते हैं, या फिर हम लोग सिविल का पार्ट बनते हैं, तो वहां हमें एक्सपोजर होगा डिफरेंट मशीन्स के वर्किंग और उसके फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करने का, जिसका हमें बहुत बेसिक पढ़ाया जा रहा है अभी। बाकी लोग कहेंगे सर हमें तो नहीं करना है ये सब, हमें क्या मतलब है आर्किटेक्चर से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से, डिजाइन वाले पार्ट से। बट स्टिल, क्योंकि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये डेली ऑब्जर्वेशन है, डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है। क्या आप सर को मूव करते हो? ये एक पिवटेड पॉइंट से हो रहा है, ये एक टाइप का लिवर है। क्या हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो कुछ उसमें मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे? क्या हम लोग जब नाइफ को कट कर, नाइफ से कुछ चीज को कट करते हैं तो उसमें हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसकी बात करेंगे? तो दिस इज ऑल इज व्हाट इन द सराउंडिंग ऑफ आवर्स, राइट? इसीलिए इस चैप्टर बहुत इजी है, समराइज करने में बहुत मजा आएगा, आपको रिलेट कर पा रहे होगा, आपको जो भी एग्जांपल्स होंगे सब रियल एग्जांपल्स होंगे, प्लास प्लायर और आपका जितनी भी मशीन आप देखते हो, बीट, कैची, योर नाइफ, सब वो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ रहे होंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है? तो चलो, तो फंक्शनल यूज की बात करते हैं बच्चों। पहला क्या है? इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग नटबोल्ट को टाइट करते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत पीछे से होता है बच्चों, ठीक है? तो हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर सकते हैं जब भी हम लोग कोई भी मशीन को यूज कर सकते, तो बहुत अच्छा काम है। दूसरा, इन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, हम लोग मशीन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम और कन्वीनियंटली वर्क कर पाए। थर्ड पॉइंट, फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड, हम मशीन्स की हेल्प से स्पीड गेन कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, फॉर इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग द लेस एफर्ट, कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड अगर हम लोग उठा पाए, दैट्स आल्सो द वर्किंग ऑफ अ मशीन। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। चार पॉइंट कौन कौन से बच्चों? पहला है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्शन, पहला है हमारा चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दूसरा है चेंजिंग द डायरेक्शन, तीसरा है गेन इन स्पीड, और चौथा है अप्लाइंग लेस एफर्ट एंड गेटिंग द overcoming the more load, ठीक है? कम फोर्स लगा के ज्यादा काम करना, यही तो है मशीन का ऑब्जेक्टिव,
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, उसके ऊपर स्टडी करनी होगी। चलो थोड़ा और अभी डाइव इन करते हैं अब मशीन्स की, हमारे बुक की लैंग्वेज डेफिनेशन उसको समझते हैं। तो आफ्टर दिस डिस्कशन बिटवीन रेंशो एंड यू नो साइलेंसर, वहां से कुछ आपको बेसिक समझ आए होंगे मशीन्स के, अभी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे होंगे मशीन्स के बारे में। तो मशीन्स को अपने दोनों तरीके से अभी समझा, दोनों ही आपको पर्सपेक्टिव मिले। एक क्या था कि हर वो चीज जो आपके एफर्ट्स को रिड्यूस करे, कम टाइम लगाए, वो एक मशीन है। और वहां पर एक हमारे पास थ्योरेटिकल बुक वाली डेफिनेशन थी जो कि पूरा एक इंजीनियरिंग एग्जाम के स्टूडेंट्स ने डिजाइन थी, बट स्टिल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है हम उसको समझते हैं अभी। तो अ मशीन कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस बाय विच वी कैन ईदर ओवरकम a large resistive force, which we can overcome a large resistive force at some point by applying the small force, कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स को हम लोग ओवरकम कर पाए, at a convenient point in a desired direction or by which in a desired direction or by which we can obtain a gain in speed। दोबारा से बच्चों से ध्यान देंगे, क्या क्या बोला गया, हमें ओवरकम करना है लोड को कम एफर्ट लगा के। अब वो कैसे होगा भैया, एक कन्वीनियंट पॉइंट के थ्रू हो सकता है, दूसरा डिजायर्ड डायरेक्शन मिल जाए हमको, तीसरा इन विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड, और चौथा हमारा फोर्स। ठीक है, तो चार हैं, कम फोर्स लगाओ ज्यादा रेसिस्टिव फोर्स के लिए, कन्वीनियंट पॉइंट पर लगाओ, डिजायर्ड डायरेक्शन मूव कराओ जिससे कि हमको एक गेन इन स्पीड मिल जाए। तो ये चारों वो पॉइंट पढ़े थे हम लोग ने, याद करो वो चारों पॉइंट, ये चारों पॉइंट, ये चारों पॉइंट आपको इस डेफिनेशन में अभी दिख रहे होंगे, आई एम क्वाइट श्योर। तो आपके लिए ये डेफिनेशन अभी सबसे सुपीरियर है, आपको इसमें वर्कआउट करना है, इसमें खेलना है। जैसे यहाँ पर देखो, जितने भी आप यहाँ पर फिगर्स देख पा रहे हो वो एक मशीन के ही एग्जाम्पल है, चाहे वो व्हील एंड एक्सेल हो। हम लोग कार चलाते हैं, उसका व्हील होता है, उसका एक्सेल होता है, साइकिल चलाते हो व्हील होता है, एक्सेल होता है, जैसे वो अटैच होता है, राइट। चाहे वो कोई भी लिवर हो, इंक्लाइन प्लेन हो, पुली हो, स्क्रू हो, वेज हो, ये सारे ही हमारे पास मशीन के एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, आपने सब आपने यूज भी करे होंगे, जैसे वो स्क्रू यूज करा है हम लोगों ने, राइट, वेज यूज करा होगा, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे मूव करा होगा हम लोगों ने, जब हम लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियों के बगल में एक जो प्लेन होता है जिससे कोई भी पर्सन which who is not able to go directly with the help of CD, especially the one who are you can say जो कि हमारे पास लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है चढ़ने में, पैर में प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्चर होता है, हॉस्पिटल्स में देखा होगा आपने, देयर इज द प्रोविजन की वहां पर सीढ़ियों के साथ ही ऐसे इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं, राइट। आप पहाड़ चढ़े होगे अगर आप हेवी हिली एरिया में गए हो, ढलान होती है हमारे शहरों में जहाँ से अलग अलग रूट्स डिजाइन होते हैं, वहाँ पे इंक्लाइन प्लेन होता है। लीवर का एग्जांपल बहुत सिंपल है, व्हील एंड एक्सेल हमने पढ़ा हुआ है। तो दिस इज ऑल व्हाट आर द मशीन्स, ये सारी सिंपल मशीन्स है बच्चों। ओके, चलो अब मशीन्स पढ़ रहे हैं तो भैया अब मशीन्स का होगा कुछ ना कुछ मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज की हमें क्या हेल्प मिल रही है उस मशीन को यूज करने से, हाउ द मशीन इज गोइंग टू हेल्प अस, दैट्स व्हाट वी कॉल एज मैकेनिकल एडवांटेज इन द टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स, हाउ द मशीन्स इज हेल्पिंग अस, तभी तो उसको यूज करेंगे यार। अगर कोई मशीन हमें हेल्प नहीं कर पा रही है तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। देखा होगा आपने फॉर पर्टिकुलर, जैसे आपने अगर अगर आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, देखा होगा उसके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, प्लास होता है उसके पास, उसके पास नट बोल्ट टाइट करने वाला होता है, उसके पास वी कॉल इट पेचकस, राइट। तो जब उसके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं तो वो उन पर्टिकुलर टूल्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करता है, कटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स, टाइटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स, होलिंग के लिए डिफरेंट टूल्स, राइट, टेपिंग के लिए, सीलेंट के लिए डिफरेंट टूल्स। तो जो टूल्स हैं वो क्या मशीन्स के ही फॉर्म है, बिल्कुल सर, उन्हीं मशीन्स की स्टडी करनी है हमको। तो चलो अब और एक और बात, कोई आप ऐसे कोई मशीन यूज करना नहीं चाहोगे जो आपके लिए नेगेटिव वर्क करे, मतलब आप जो चाहते हो वो वर्क ना मिल पाए डिजायर्ड उसको, आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वांट सच मशीन्स। तो हम लोग को कौन सी मशीन्स कब यूज करनी है बात करते हैं उसकी। तो द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट, अब देखो क्या हुआ, जैसे कि फिर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन दिस केस यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वेज क्रिएट करा हुआ है आपके लिए, ठीक है, समझो जैसे ये है, अभी देखो एक मानो ये प्लेन है, सिंपल सा एक प्लेन है, ठीक है। अभी मैं नहीं मान रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी लोड है, कोई भी एफर्ट है, क्योंकि जो ये मास है इस मास के बराबर है। अब मानो मैंने इस आर्म को मैंने इस पॉइंट से फिक्स करा हुआ है मेरे हाथ के मेरी उंगली के इस मिड पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फलक्रम हो गया, फलक्रम जिस पॉइंट पे मैंने फिक्स कर दिया है, अब ये इसके अराउंड मूव नहीं करेगा और इसके नियर अबाउट मूव करने के लिए फ्री है, वो यहां से और यहां से मूव कर सकता है, बट दिस इज अ पिवटेड पॉइंट, पिवटेड मतलब जहां से वो जुड़ा हो, जहां से मूव नहीं कर सकता है। जैसे अगर ये पिवटेड पॉइंट है, अगर मानो अब मैंने इसको इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ द मास, मतलब इसके मिडिल पॉइंट से अभी होल्ड करा हुआ है, बट अगर मैं अभी एक तरफ इसके मास को इंक्रीज करूंगा, एक तरफ लोड डाल दूं इस पे, ठीक है, तो मानो इधर मैंने मान दो एक लोड डाल दिया, क्या अब इसका इधर साइड मास
ज्यादा हो गया, इधर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है नीचे जो एमजी लग रहा है वो ज्यादा हो गया, तो क्या अब लोड एफर्ट को ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो बॉल है ये एक डायरेक्शन मूव करने लगेगी। तो जैसे ये बॉल है, अब देख रहे हो कि मेरा जो सेंटर ऑफ मास थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, देखो अगर पिवोटेड पॉइंट है अगर मैं इसे ही रखूंगा तो ये गिर जाएगा, इट विल लूज इट्स ओरिजिनल पोजिशन। लेकिन अगर मुझे इसका बैलेंस रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर इक्वली मैं इसमें एफर्ट भी लगा दूं, जैसे आपको देखा होगा जैसे हमारे जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं वो तराजू का यूज करते हैं हैंड वाला, इधर वेट इधर सब्जी, तो वो भी तरह का एक एक तो हमारा मशीन है राइट, एक तरह का हमारा लिवर है वो भी एक बहुत ही सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है, वो जैसे हम लोग सी सॉ करते हैं वो भी एक मशीन का एग्जाम्पल है, जिससे कि हम चीजों को बैलेंस कर पाए। नाउ इफ यू कैन सी दिस इज वेरी मच बैलेंस राइट। चलो तो इसकी बात भी करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ लॉज भी आएंगे अभी अमेजिंग अमेजिंग, तो डोंट वरी We'll study in deep about them. चलो अभी चलते हैं हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने पर। जैसे आपने देखा सर कि एक हमारा लोड होता है एक हमारा एफर्ट होता है, तो जो भी द रेशियो, जैसे अब हम लोग चाहते क्या है, हम चाहते हैं लोड को ओवरकम करना, तो जो भी लोड और एफर्ट का रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज और एम ए विल बी कॉल्ड एज लोड अपॉन एफर्ट, लोड को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एफर्ट को करते हैं ई से, और दोनों ही एक तरह के फोर्सेज हैं बच्चों, नथिंग एल्स बट द फोर्सेज, दोनों ही फोर्स हैं, लोड भी एक फोर्स है और एफर्ट भी एक फोर्स है, बस उनका नाम अलग दिया गया है, क्योंकि लोड एक वो फोर्स है जिसको हमें ओवरकम करना है विद द हेल्प ऑफ एफर्ट मशीन के हेल्प से राइट। चल तो अगर बात करें कि क्या कोई मैकेनिकल एडवांटेज की यूनिट होगी हमारे पास, मुझे क्योंकि दोनों ही फोर्स हैं, तो अगर ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन फोर्स मतलब न्यूटन अपॉन न्यूटन, तो दोनों ही न्यूटन कट जाएंगे, तो फोर्स की यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों ही यूनिट यहाँ पे हो जाएंगे कैंसिल आउट एंड वी विल बी लेफ्ट विद नो यूनिट्स। तो याद रखना बच्चों इट्स अ क्वांटिटी विद नो यूनिट, बिकॉज बोथ द क्वांटिटी इन लोड एंड एफर्ट्स आर सिमिलर, तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा इन दिस केस, ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन निकल लिए, हमारे पास यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी नहीं बचेगी। ओके कूल, चलो अब बात अगर हम लोग करें बच्चों तो किस किस टाइप से हम लोग ओवरकम कर पा रहे होंगे उसकी बात करते हैं, तो इन मशीन तीन चीजें होंगी बच्चों। अब देखो क्या क्या होगा, या तो लोड एफर्ट से ज्यादा होगा, या एफर्ट लोड से ज्यादा होगा, या तीनों ही दोनों ही बराबर होंगे, तीन केस बनेंगे। पहला केस समझते हैं, कह रहा है अगर हमारा एफर्ट लेस है और लोड ज्यादा है, मतलब हमें कम काम करना पड़ रहा है, हमें कम काम पड़ना पड़ रहा है और मशीन का जो लोड है वो ज्यादा है, अच्छी बात है यार, हम कम काम करके हम कम फोर्स लगा के ज्यादा लोड को लिफ्ट कर पा रहे हैं, जैसा गुड एडवांटेज दैट दैट्स एडवांटेज टू अस राइट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन वन होने का मतलब है लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, लोड ज्यादा है एफर्ट कम लग रहा है, हमें काम कम करना पड़ रहा है, हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़ रहा है, जैसा मैकेनिकल एडवांटेज, जैसा गुड मशीन बच्चों जो हमारे एफर्ट को कम लगाएगी जल्दी पूरा काम करके दे देगी हमको कम फोर्स में, दैट्स अ मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन वन। पहला पॉइंट समझ आ गया होगा आपको, तीन केस बनेंगे बच्चों, पहला कौन सा, लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, तो लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट मतलब एफर्ट कम, लोड ज्यादा, कम काम करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। सेकंड इज बच्चों एमए इज लेस देन वन, अगर अब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन, लेस देन वन का मतलब क्या है सर, अब एफर्ट जो होगा हमारा लोड जो होगा वो छोटा हो जाएगा एफर्ट से, मतलब एफर्ट ज्यादा हो जाएगा और लोड कम हो जाएगा, बच्चों ये गलत हो गया यार, हमें ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और हमारा लोड कम है, दैट्स द एफर्ट नीडेड इज ग्रेटर देन द लोड, एफर्ट ज्यादा लग रहा है और लोड कम है, दैट्स द सेकंड टाइप। एंड द थर्ड दैट वी हैव इज एम ए इज इक्वल टू वन, इसका मतलब भैया एफर्ट और लोड दोनों बराबर होने वाले हैं, लोड और एफर्ट आर बोथ इक्वल, अब ये तीनों ही जो मशीन्स होंगी ये डिफरेंट होंगी और इन तीनों की ही हमारे पास डिफरेंट एडवांटेज भी होंगे, उसकी बात हम लोग करेंगे राइट अवे, पहले इन तीनों बातों को आप लोग लिख लो, नोट्स बनाते हुए चल रहे हो आई होप आप सभी लोग, इन तीनों बातों को पहले आप लोग लिख लो, जिससे कि हम लोग जब आगे जाएं तो आपको ये तीनों बातें याद रहे। पहला कौन सा था बच्चों, पहला था लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन, दूसरा था बच्चों हमारा जो एफर्ट है वो ज्यादा है लोड से, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन, तीसरा था बच्चों हमारा मैकेनिकल और लोड दोनों बराबर है, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन। ओके ओके बच्चों समझ आ गई तीनों बातें, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी रहते में। चलो अब समझो, अब मशीन विद, अब देखो अब जो मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होगा उसको हम बोलेंगे फोर्स मल्टीप्लायर, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि वो फोर्स तो हमें हमें ज्यादा हमें कम फोर्स में ज्यादा काम करके दे रही है, दैट इज वाई वी विल कॉल एज फोर्स मल्टीप्लायर। ये कौन सा बच्चों,
इसका मैकेनिकल ड्राइव ग्रेटर देन 1 था, मतलब इसका लोड एफर्ट से ज्यादा था, अभी देखा हम लोग ने, इसका लोड एफर्ट से ज्यादा था, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। दूसरा कौन सा बच्चों, अ मशीन विद एमए लेस देन 1 इज यूज्ड टू गेन इन स्पीड, बच्चों क्या करेगी ये, गेन इन स्पीड, क्या करेगी, गेन इन स्पीड, ये कब है बच्चों, जब हमारा लोड कम है और एफर्ट ज्यादा है, एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं हम लोग, लोड कम है, इसका मतलब हम लोग स्पीड में गेन कर रहे हैं, मतलब चीजों को जल्दी करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी एक मशीन है बच्चों, ऐसा नहीं है कि मशीन काम की नहीं है, ये मशीन भी काम की है, जैसे यहाँ पर देखो ये टाइप वन था हमारा, यहाँ पर हमें एफर्ट कम मानना पड़ता है, लोड ज्यादा होता है आराम से काम हो जाता है हमारा, यहाँ पर देखो हमें एफर्ट बहुत लगाना पड़ता है, हमें स्पीड गेन कर रहे होते हैं हम, इसलिए हम लोग यहाँ पर जीत जाते हैं क्योंकि हमारा स्पीड में गेन हो रहा है। और थर्ड बच्चों होता है मशीन विद एम ए इक्वल्स टू वन इज जनरली यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट, जैसे यहाँ पर बच्चों हमने डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज करनी होती है, इसलिए हम लोग इन मशीन से यूज करते हैं, मतलब बेसिकली लोड कहीं और है, एफर्ट कहीं और है, उनके डायरेक्शन अलग अलग है, उनके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं मशीन जिसका लोड और एफर्ट हो बराबर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, एंड देयर इज नो गेन इन स्पीड इन गेन इन फोर्स और द स्पीड, इसमें गेन ऑन स्पीड भी नहीं होगा, फोर्स भी नहीं होगा, बस चेंज इन डायरेक्शन हो जाएगी इफ एम ए इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो याद रखना बच्चों ये कौन सा होगा, मैकेनिकल एवरेज ग्रेटर देन वन होगा, एम ए ग्रेटर देन वन है ये हमारा, ओके ये एम ए लेस देन वन था और ये एम ए इक्वल टू वन था, तीनों बातों को सिंक कर लो, एम ए ग्रेटर देन वन है, एम ए ग्रेटर देन वन है तो हमारा फोर्स मल्टीप्लायर है, एम ए लेस देन वन है तो हमारा स्पीड मल्टीप्लायर है, एम ए इक्वल्स टू वन है तो चेंज इन डायरेक्शन है, चेंज इन डायरेक्शन में खेल है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होने का मतलब है बच्चों हमारा जो लोड था वो ज्यादा था एफर्ट से, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन होने का मतलब है कि जो हमारा लोड था वो कम था एफर्ट से, और इक्वल होने का मतलब है जो लोड था वो बराबर था एफर्ट के, इस बात को याद रखो। तो ये हमारी समरी है पूरी इसकी, जो मैंने बातें करी है उसकी समरी बस इतनी सी है, आपको यही याद रखनी है मेजरली, अगर आप इतना याद रख गए तो आपका काम बन जाएगा बच्चों, ठीक है, सिंपली इतनी सी बात का हमारा काम है, इतनी सी बात याद कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा, कौन जाएगा हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप यहां तक के समझ आ गया होगा, लिख लिया होगा आपने, सचिन जी बता दो भाई सब लोगों को समझ आ रहा है, कौन बता देना, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी रेशियो की, ये भी एक ना एक मशीन का ये भी एक बहुत काम का पार्ट है कि उसका वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या है, समझते हैं थोड़ा वेलोसिटी रेशियो के मतलब को पहले, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, मतलब भैया जो हमारा एफर्ट है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब वो कितना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कवर कर रहा है, और जो लोड है हमारा वो कितना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो मतलब होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, एफर्ट की वेलोसिटी कितनी है, जैसे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें एफर्ट और लोड दोनों की वेलोसिटीज क्या क्या हैं, जैसे कि हम लोग बात करें जब हम लोग पुली सिस्टम का यूज करते हैं तो वहां पर जो वेलोसिटी होती है चीज के ऊपर आने की और जो एफर्ट होता है वो अलग अलग हो सकती है, जैसे हम लोग सब साइकिल चलाते हैं तो वहां पर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, तो जो हमारे वेलोसिटी रेशियो है दैट इज द रेशियो ऑफ velocity of effort to the velocity of load, VE upon VL, velocity of effort upon velocity of load, इतनी सी बात याद रखनी है आपको, ये velocity ratio is velocity of effort upon velocity of load, VE मतलब velocity of effort, VL मतलब velocity of load। अगर आप कहोगे सर ये तो उल्टा हो गया, हाँ बच्चों ये यहाँ पे ये तो mechanical advantage था, वो हमारा load upon effort था, that is different फ्रॉम द वेलोसिटी रेशियो, यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे बच्चों इनके डिराइव्ड फॉर्म की, जब हम लोग इनका डिस्प्लेसमेंट रिलेशन निकालेंगे तो पता है हमको कि वेलोसिटी ऑफ लोड क्या होता है सर, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम, और जब इनका रेशियो निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड डी, सिंपली ये बनेगा यहां से V, एफर्ट है बच्चों VE अपॉन L होल अपॉन, ये D होगा, वेलोसिटी इज डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन लोड, और यहां पे डिस्टेंस ऑफ लोड अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ये वाला C वाला टर्म B के पास आ जाएगा, दैट इज DE अपॉन DL, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चों व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, दैट इज डी ई अपॉन डी एल, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड दैट इज डी ई अपॉन डी एल, डी ई अपॉन डी एल, यहां से कर सकते हैं बच्चों डी ई अपॉन डी एल, सर ये क्या है,
डिस्प्लेसमेंट डन बाय एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट डन बाय लोड, जैसा रेशियो ऑफ एफर्ट टू लोड, एफर्ट टू लोड का रेशियो, द रेशियो ऑफ एफर्ट टू लोड याद रखेंगे. वेलोसिटी रेशियो इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लोड दैट इज आल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट इन द पर्टिकुलर टाइम टू इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इन द सेम पर्टिकुलर टाइम. टाइम यहां पे अलग अलग नहीं होना चाहिए, तो टाइम के ऑफ हम लोग को सेम रख के बात करनी है. चलो बहुत बढ़िया, आई होप यहां तक आ गया होगा आपको. अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वेलोसिटी रेशियो की कोई यूनिट होगी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों क्या वेलोसिटी रेशियो की कोई यूनिट होगी, आप लोग बताओ जल्दी से वेलोसिटी रेशियो की क्या यहां पर कोई यूनिट होने वाली है अकॉर्डिंग टू यू, क्या कोई यूनिट है? यस और नो? नो नो, बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि ये भी देखो डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होंगी, दोनों कट जाएंगी, खत्म हो जाएगी कहानी. इट विल हैव नो यूनिट. वी आर लिखा हुआ है बच्चों, वी आर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. एंड वी आर इज, अच्छा अब इसके भी तीन टाइप होंगे बच्चों. पहला कौन सा होगा? वेन वी आर इज ग्रेटर देन, वी आर इज ग्रेटर देन वन, वी आर इज ग्रेटर देन वन. अगर बच्चों वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन वन है, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन वन है, तो पहला केस बनेगा हमारा. क्या रेड पर आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है कि हम लोग उसको चेंज करें? आई होप दिख रहा है आपको. इफ द वी आर इज ग्रेटर देन वन तो हमारा बनेगा पहला, दैट इज वेलोसिटी ऐसा फोर्स मल्टीप्लाई, मशीन इज फोर्स मल्टीप्लाई. दूसरा बनेगा बच्चों लेस देन वन, इफ वी आर इज लेस देन वन देन इट इज अ गेन इन स्पीड. तीसरा बनेगा बच्चों वी आर इज इक्वल्स टू वन, दैट्स अ मैकेनिकल चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट. क्या बिल्कुल सब वही बात है बच्चों? क्या बिल्कुल वही बात है तो मैंने करी थी वहां पर. वहां पर क्या था हमारे पास? वहां पर हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज की बात थी. मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन वन चेंज इन स्पीड, स्पीड मल्टीप्लायर मतलब, और इक्वल देन वन मतलब चेंज इन डायरेक्शन. यहां भी वही बात है, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन वन मतलब फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन वन मतलब स्पीड इन गेन इन स्पीड, और इक्वल टू वन मतलब चेंज इन डायरेक्शन. ओके सो यहां भी वही बात है जो वहां पर थी. वहां पर हम लोग क्या बात कर रहे थे? वहां पर हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये थी कि अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन, ठीक है, तो वही था हमारा फोर्स मल्टीप्लायर. बात करें एम ए लेस देन वन तो वही था हमारा गेन इन स्पीड, और बात करें एम ए इक्वल्स टू वन तो वो था हमारा चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है, तो तीनों बातों पे अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज की भी और वेलोसिटी रेशियो की भी. मैकेनिकल एडवांटेज वो एडवांटेज जो मशीन्स का हमको मिल रहा है, वेलोसिटी रेशियो वो हमारे वेलोसिटीज का रेशियो है जिसमें हमारे डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड आम आ रही है. सर ये डिस्टेंस ऑफ एफर्ट और डिस्टेंस ऑफ लोड का मतलब क्या है? समझते हैं जरा, अभी एक मिनट का टाइम दो, अभी सब समझ लेंगे हम लोग. पहले इन तीनों को जरा एग्जांपल्स को देखो. वेलोसिटी रेशियो देखो, यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो मोर देन वन, बोलो हाँ कि ना भाई? फोर्स मल्टीप्लायर, हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है जो ट्रॉली होती है बच्चों. हम लोग जब जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, ज्यादा सामान रख लेते हैं ट्रॉली में, खूब सारा भर के छोड़ आते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, खूब सारा सामान रख लेते हैं, बहुत डिफिकल्टी होगी. बट क्योंकि वो हमारे पास नीचे टायर्स हैं, नीचे टायर है, ऊपर हमारे पास हैंडल्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो इनका सेंटर पॉइंट होता है फुलक्रम वाला, उसको चेंज कर देते हैं और हमें बहुत आसानी से हम लोग उस ट्रॉली को आगे मूव करा पाते हैं. सेकंड बच्चों सीजर्स. सीजर्स क्या है? ध्यान से देखो सीजर्स. और तीसरा देखो बच्चों चेंज इन डायरेक्शन. तो हमारे पास तीनों एग्जांपल्स भी हैं, फोर्स मल्टीप्लायर के, गेन इन स्पीड के, और चेंज इन डायरेक्शन के, तीनों ही मिल रहे हैं हमको. ठीक है, चलो क्या वीआर कोई यूनिट होगी? नो सर, वीआर कोई यूनिट नहीं होगी. वीआर हैज नो यूनिट क्योंकि यहां पर भी रेशियो था दो सेम चीजों का. चलो बात करते हैं इफिशियंसी की. अब एक मशीन के लिए इफिशियंसी आना बहुत जरूरी है. इफिशियंसी क्या होती है? सर मैंने कितना काम करा और मैंने कितना उसके लिए प्रिपेयर करा था, फिर मेरे कितने मार्क्स आए और मैंने कितना उसके लिए प्रिपेयर करा था. इतनी सिंपल सी बात आप समझ पा रहे होगे कि इफिशियंसी की मतलब क्या होता है. जैसे कि समझो हम लोग देखते हैं ना कि कुछ गाड़ियां हैं, जैसे हमारे पास स्प्लेंडर है, बाइक है मानो, ठीक है, तो स्प्लेंडर का एवरेज या फिर एक्टिवा का एवरेज या फिर हमारे जो स्कूटीज हैं या बाइक्स हैं उनका एवरेज कंपैरेटिवली बाइक्स का एवरेज ज्यादा होता है. इफ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट बाइक्स, आप हार्ले डेविडसन की बात करें, चलो नो, हम बात कर रहे हैं हमारे जनरल जो यूजर्स में करते हैं हम लोग, जैसे जो हम लोग को अलग अलग बाइक्स यूज करते हैं, कौन कौन सी करते हैं, टीवीएस स्पोर्ट्स करते हैं, स्प्लेंटर करते हैं, पैशन करते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ. तो उन बाइक्स का अगर आप बात करो तो उन बाइक्स में जो माइलेज होता है वो ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि दे आर गियर्ड बाइक्स, दे आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ कम्यूट फॉर इन द लेस बजट सेगमेंट, राइट? तो
मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग उसमें कुछ पेट्रोल डलवाते हो और वो कुछ दूर चलती है, तो क्या वो उसका माइलेज होता है, तो क्या वो इसकी इफिशियंसी है? अब सबकी अलग अलग होती है, जैसे कि स्कूटीज की अलग होती है, कार्स की अलग होती है, एरोप्लेन्स की अलग होती है, सबकी इफिशियंसी अलग अलग होती है। इफिशियंसी मतलब कि कितना हम लोग उसको इनपुट दे रहे हैं, उस अकॉर्डिंग कितना वो आउटपुट दे रही है। सिंपल इनपुट टू आउटपुट रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ द आउटपुट एंड दैट टू इनपुट, आउटपुट टू इनपुट, कितना उसने हमको आउटपुट दिया, कितना हमने उसको इनपुट दिया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट्स माय इनपुट, आप कितने मार्क्स लाओगे, दैट्स योर आउटपुट। अगर आपका आउटपुट इनपुट से ज्यादा हो गया तो बहुत ही अमेजिंग बात है भाई, ठीक है। ये तो आपको पढ़ाया नहीं गया, आपने उससे ज्यादा परफॉर्म करा, वैसे तो मुश्किल है, मशीन के लिए भी मुश्किल है भाई। मशीन कोई कोई मशीन नहीं होती जो आउटपुट ज्यादा दे दे कम इनपुट पे, नहीं, हमेशा मशीन आउटपुट कम देगी, इनपुट ज्यादा लेगी, ठीक है। वैसे भी आप हो, बहुत मेहनत कराते हो यार, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, खुद भी, और उसके बाद आउटपुट उसके अकॉर्डिंग होता है, जितनी मेहनत करते हो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। बट आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू कि आप लोगों का आउटपुट बहुत बढ़िया आएगा, और आप लोग उसमें दम भर के इनपुट लगाओगे, खूब जान लगा दोगे अपने इनपुट्स के लिए भी। तो खूब इनपुट लगाओ जैसे कि बढ़िया आउटपुट भी मिले आपको, ओके। दैट्स माय व्हिच दैट्स माय बिलीफ इन ऑल ऑफ यू कि भैया आप लोग अपने आउटपुट को बहुत संभालेंगे, ठीक है। पहला पढ़ाओ, पहला बार टेंथ, पहली हमारी प्रिपरेशन, ठीक है, एट दिस लेवल पहली बार हम लोग आईसीएसई के बच्चे को 4-5 लाख बच्चों के संग कॉम्पिटिट कर रहे होंगे, राइट। चलो ओके, सो वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड एज वर्क इनपुट, जो हम लोग ने दिया बच्चों, ठीक है, वर्क डन ऑन मशीन हमने दिया ये, ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क इनपुट। अच्छा सर, वर्क आउटपुट क्या होता है? वर्क डन बाय मशीन ऑन द लोड इस कॉल्ड वर्क आउटपुट, कितना हमें मशीन मशीन क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, कितना हमको वो आउटपुट दे रही है, दैट इज वर्क आउटपुट। ऑन द लोड, लोड पे कितना काम करा गया, मतलब देखो तो मशीन पे काम करा गया, द वर्क डन ऑन मशीन इज इनपुट, वर्क गिवन बाय अस बाय ओवरकमिंग द लोड इज वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट हमारा वर्क डन ऑन द लोड होता है, वर्क इनपुट वर्क डन बाय द एफर्ट होता है, जो एफर्ट काम कर रहा है वो हमारा वर्क इनपुट हो गया। अगर हम बात करें इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क डन by a machine with the work put into the machine by the effort. In other word, efficiency is the ratio. बहुत सिंपल समझो, याद रख। In other word, efficiency is the ratio of work output to the work input. Work output कितना मिला? Work input कितना दिया था? That's our efficiency. कितना हमने दिया? और उसके अकॉर्डिंग क्या हमको आउटपुट मिला? That's our efficiency. ठीक है? Represented by a symbol eta, बच्चों ऐसा n बनाओ और उसको लंबा कर दो. That's our symbol. ईटा, ओके, चलो अब ईटा कैसे समराइज करेंगे, तो ईटा क्या है बच्चों? वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, इट्स अ रेशियो ऑफ बोथ, राइट, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इज व्हाट? इफिशियंसी और ईटा, इट इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो भैया हमारे पास जो परसेंटेज का फॉर्म होता है उसमें उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर हमको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो परसेंटेज में हमको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, राइट, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वहां पर आ जाएगा हमारा इफिशियंसी का टर्म। क्या यहाँ तक सारी बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? क्या आप लोग को इफिशियंसी सारी बात समझ आ रही है? दैट्स अ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100% के साथ, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं इफिशियंसी की यूनिट की, तो आप लोग मुझे बताओ भाई क्या कोई इफिशियंसी यूनिट होगी? मेरा कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी वर्क है नीचे भी वर्क है, ऊपर भी जूल लिखा हुआ है नीचे भी जूल लिखा हुआ है, जूल तो जूल भी कट जाएगा। देयर शुड बी नो यूनिट ऑफ द वर्क, राइट, इफिशियंसी ऑब्वियसली वर्क यूनिट तो होती है, बट इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ द वर्क, तो ये कट जाने वाला है, कोई यूनिट नहीं आएगी यहाँ पे, इट हैज नो यूनिट, ओके कूल। चलो बात करते हैं भैया प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स की, लेकिन उसके पहले समझना पड़ेगा हमको एफर्ट पॉइंट, लोड पॉइंट और हमारा एफर्ट डिस्टेंस, मतलब What is the effort arm and load arm? समझो यहाँ पे, जैसे मानो ये हमारा load है, ठीक है, अब ये load है, ये हमारा effort है, क्या काम करना है हमको? effort लगा के load को ऊपर करना है, मतलब इधर कुछ हमको force लगाना है बच्चों नीचे, जैसे कि हमारा load ऊपर आ जाए, तो ये हमारा हो गया load point, ये हो गया हमारा effort point, ये हमारा fulcrum है जहां से ये चीज fix है, we call it fulcrum, what we call it? fulcrum, जहां से वो चीज fix है। अब जरा ध्यान समझो बच्चों, जो हमारा fulcrum से load का distance है, हमारा fulcrum से लोड का डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे लोड आर्म, क्या बोलेंगे? लोड आर्म, मतलब लोड का डिस्टेंस, लोड आर्म, और हमारा जो फलक्रम से एफर्ट का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग एफर्ट आर्म, क्या बोलेंगे बच्चों? एफर्ट आर्म,
ठीक है। तो ये हमारा जाएगा एफर्ट लेंथ, मतलब एफर्ट आर्म, और ये हमारा जाएगा लोड आर्म, ये लोड पॉइंट, ये एफर्ट पॉइंट। सिंपल, जैसे मानो ये है केस, ठीक है, यहां पर हमारा एक लोड है, इसको उठाने के लिए हमको यहां पर कुछ एफर्ट लगाना है मान लो, ठीक है। इस पॉइंट पे ये, इस ए पॉइंट पे ये फिक्स्ड है, ये हमारा फल्क्रम है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग बताओ मुझे, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस विल बी एफर्ट आर्म, एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस विल बी लोड आर्म, ठीक है। तो एफर्ट आर्म, लोड आर्म, याद रखेंगे इसको बच्चों, ठीक है, ओके। चलो, सो द पॉइंट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन इज कॉल्ड एफर्ट, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरकमिंग द लोड दैट इज कॉल्ड एज लोड पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट वेयर द एनर्जी, याद रखना बच्चों, जैसे एनर्जी इज सप्लाइड इज टू अप्लाइंग द एफर्ट एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड ओवरकमिंग द लोड, तो हमारा लोड पॉइंट हो जाएगा। अब हमारी अगर इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर है, मतलब इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी, मतलब आउटपुट वर्क के बराबर है, दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ द मशीन, मतलब एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट एंड एफर्ट लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म अगर बराबर है हमारा लोड इनटू लोड आर्म के। अरे सर बहुत ज्यादा, मैं बहुत टिपिकल नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए समझो तेरा ध्यान से। अगर जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये बॉडी को इक्विलियम में रहना है, ठीक है, तो एक टॉर्क लगेगा यहाँ पे, एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क पढ़ा हुआ है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो हाँ कि ना। तो एक हो जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क, एक हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाएगा, तो वही हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, वही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यहाँ पर है बच्चों, को अलग थोड़ी ना ये बात। एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म दैट इज चलो भाई, अगर इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है अब वर्क इनपुट वर्क आउटपुट की इक्वेशंस बनाने के बाद, अगर हम लोग अब इफिशियंसी का एक रिलेशन निकालना चाहें, तो इफिशियंसी क्या होती है सर, वर्क इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अब वर्क आउटपुट क्या बोला हम लोगों ने, वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट मतलब हमारा लोड वाला, जो हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, लोड पॉइंट पे हमारा। तो लोड से क्या है बच्चों, लोड से वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो लोड इनटू डीएल, लोड इनटू डीएल। और बच्चों इनपुट क्या होगा हमारा, एफर्ट पे, एफर्ट इनटू डीई। तो ध्यान से देखो क्या आ गया, एल अपॉन ई और डीएल अपॉन डीई, दिख रहे बच्चों, एल अपॉन ई, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट किसको बोलते हैं बच्चों, लोड अपॉन एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग एल्स बट लोड अपॉन एफर्ट। और बच्चों व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो इज व्हाट सर, वेलोसिटी रेशियो डी ई अपॉन डी एल, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड आर्म। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ एल अपॉन ई आई कैन राइट मैकेनिकल एडवांटेज, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, डी एल अपॉन डी ई। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ डी एल अपॉन डी ई की, तो क्या मुझे मिल जाएगा बच्चों, वन अपॉन वी आर, ऑल एग्री विद मी, क्या मिल जाएगा मुझे, वन अपॉन वी आर, वन अपॉन वी आर मतलब वन अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इक्वेट कर दूँ, यहाँ पर इक्वेट कर दूँ, इसको मैं अगर उल्टा लिखना चाहूँ, तो ये वन अपॉन वी आर लिखा हुआ है, ये मैकेनिकल एडवांटेज लिखा हुआ है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऊपर और वेलोसिटी रेशियो नीचे, यही है हमारी इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का अगर आपसे एक और फॉर्म लिखने को बोला जाएगा बच्चों, तो इफिशियंसी का एक और फॉर्म क्या है, तो ईटा इज इक्वल्स टू वी एम ए अपॉन वी आर, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। और यहाँ से एक और रिलेशन निकल आएगा, अगर आप यहाँ से निकालना चाहो मैकेनिकल एडवांटेज को, तो हाउ वी कैन राइट इट, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो इनटू ईटा एफिशिएंसी। ये हमारा एक और रिलेशन निकल के आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो इनटू ईटा। ईटा क्या है यहाँ पे, ईटा ईटा गुम्मा वाला ईटा नहीं है, ईटा यहाँ पे एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। और एफिशिएंसी हमारी क्या होने वाली है, एफिशिएंसी है द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। इफिशियंसी मतलब वही कितना कार्य हमको करना पड़ रहा है और कितना काम को मशीन करके दे रही है, तो वर्क जो करके दे रही है अपॉन वर्क जो करना पड़ रहा है, दैट इज आवर इफिशियंसी, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। बोलो भाई, तारा रा रा रे रा रे रा रे आ गया, सिंग विद मी, ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना हा रे हा रे हा रे। अरे आया कि नहीं आया यार, हारे नारे हारे, बोल यार आया कि नहीं आया, आया। That's what, that's a relation between MA, VR and ETA.
इफिशियंसी तो बात करो. व्हाट इज ईटा? ईटा इज एम ए अपॉन वी आर. ईटा एम ए अपॉन वी आर. मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. सिंपल याद रखो, मैकेनिकल एडवांटेज पहले पड़ा, वेलोसिटी रेशियो बाद में पड़ा. एम ए अपॉन वी आर. एम ए ऊपर, वी आर नीचे. एम ए क्या था? लोड अपॉन एफर्ट. वेलोसिटी रेशियो क्या था? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड. डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड. दैट इज आवर वेलोसिटी रेशियो. सिंपल सिंपल याद करते चलो. सारी बातें अगर दिमाग में होंगी दिक्कत नहीं आएगी. सारी बातें दिमाग में होंगी दिक्कत नहीं आएगी. लिख लिख लो फॉर्मुला, सारे लिख लो फॉर्मुला. यहाँ पे काम के हैं, बहुत आगे काम देंगे. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या कहता है? कहता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन बाय अ मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन द वर्क डन ऑन द मशीन. सही बात है. तो मशीन काम कर रही है, वो हमारे दिए गए वर्क से ज्यादा तो नहीं हो सकता है. वर्क डन बाय अ मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन, जो काम मशीन करके दे रही है हमको, वो हमारे कैसे, हमने जो उस पर इनपुट दी उससे नहीं हो पाएगा. दैट्स व्हाट द प्रिंसिपल्स ऑफ मशीन सेज. सो नो मशीन हैव द इफिशियंसी ग्रेटर देन. क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब मानो हमने 100 जूल ऑफ वर्क या एनर्जी दी. ठीक है, ये एनर्जी इनपुट है. ये क्या है? एनर्जी इनपुट है. ठीक है, आप मुझे बताओ अगर ईटा की बात करें हम लोग, क्या था? एनर्जी आउटपुट अपॉन इनपुट. सही बात है. आप लोग मुझे बताओ कि कभी कोई भी गाड़ी आपने 1 लीटर पेट्रोल लगाया, उसका माइलेज अगर 80 का है, तो क्या 200 किलोमीटर चल जाएगी? नहीं चल पाएगी. 80 या 80 से कम चलेगी, बोलो हाँ कि ना. 60 का है तो 60 या 60 से कम चलेगी. 40 का है, इट इज 40. 40 और लेस देन 40 इज व्हाट द इफिशियंसी ऑफ द स्कूटर इज गोइंग टू बी. बोलो हाँ कि ना. ऑल एग्रीज एफिशियंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1. दैट्स व्हाई वी से व्हाई सर, बिकॉज आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट. हमेशा इनपुट ज्यादा होगा क्योंकि बाकी एनर्जी वेस्ट हो रही होगी. बच्चों कहाँ जा रही होगी? कुछ फ्रिक्शन में. अभी पढ़ेंगे 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 भी आगे लिखा है सब 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 कुछ मेंशन है, डोंट वरी. ठीक है, सो नो मशीन कैन हैव अ एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1. इवन हम लोग ने सिर्फ ऐसा एक थ्योरेटिकल इंजन बनाया है बच्चों, अभी तक ना हम लोग ने जितने भी इंजन बनाए हैं एज अ मशीन, देयर इज नो इंजन विच कैन होल्ड एफिशियंसी ऑफ 1 इटसेल्फ. ऐसा कोई भी मशीन नहीं है कि इतना हम लोग उसको इनपुट दें उतना ही वो आउटपुट दे दे. नहीं, हमेशा आउटपुट कम देता है. एक थ्योरेटिकल इंजन को बोलते हैं हम लोग कारनॉट इंजन. क्या बोलते हैं? कारनॉट इंजन. एक ऐसा इकलौता इंजन है जो कि थ्योरी में है वो भी बस, जिसके हम लोग मानी है उसकी इफिशियंसी 1 है, बट इन रियलिटी इट डजंट एग्जिस्ट. इफिशियंसी ऑलवेज कम लेस देन 1 बच्चों. ओके चलो, अगर ऐसा हो जाए इन फ्यूचर, सो वी वुड बी वेरी मच यू कैन से एडवांस विद द साइंसेस. बहुत हम लोग प्रोग्रेस करेंगे चीजों में. इफिशियंसी अगर बढ़ गई तो चीजों के वर्क करने के टाइम और उनके आउटपुट दोनों बढ़ जाएंगे. मजे ही मजे, मजे ही मजे. कम इनपुट दिया ज्यादा आउटपुट मिला, मजे ही मजे. कम इनपुट दिया बराबर आउटपुट मिला, मजे ही मजे. कम इनपुट दिया लेस, ज्यादा इनपुट दिया लेस आउटपुट मिला, यही होता है हमेशा. नो मजे नो मजे. ठीक है, तो कब मजे होंगे? जब हमें इक्वल या ज्यादा मिल जाए. लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू द मैकेनिक्स दिस इज नॉट इन द रेंज ऑफ एनी मशीन और एनी इंजन. ठीक है, तो ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, मजे ही मजे. ओके बच्चों, समझ गए इतनी बात? समझ गए इतनी बात? चलो ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं. अब एक आइडियल मशीन क्या है? एक आइडियल मशीन, आइडियल मशीन जो हम लोग मानते हैं कि वो आइडियल होगी, लेकिन कोई मशीन आइडियल होती नहीं है. आइडियल मशीन वो जो उसको होना चाहिए, बट नो मशीन इज आइडियल मशीन. जैसे नो स्टूडेंट इज एन आइडियल स्टूडेंट. कुछ ना कुछ कमियां सब में है इम्प्रूव करने के लिए, राइट? इफ यू सी By core, तो कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी पॉइंट पे लाग कर रहा है. वी ऑल आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. तो आइडियल कोई भी नहीं है, वी ऑल आर ट्राइंग टू बी एन आइडियल. तो वैसे ही मशीन के संग है, एन आइडियल मशीन इज द वन वेयर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ इन एनी मैनर. कहीं एनर्जी जाए ना उसकी, ना हीट में, ना साउंड में, ना मैकेनिकल एनर्जी के किसी भी फॉर्म में कोई लॉस ऑफ एनर्जी ना हो. दैट्स नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ. वर्क आउटपुट इज इक्वल टू द वर्क इनपुट, मतलब इफिशियंसी इज 100%. ईटा कितना हो जाए भैया? इतना हम लोग आउटपुट दें उतना ही हमको इनपुट मिल जाए अपॉन इनपुट. पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाए, सेम हो जाए वैल्यूज, तो हमारा जो परसेंटाइल निकल के आ जाए वो आ जाए 100%. 100% क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. ये आइडियल मशीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक आइडियल मशीन वही होगी जो इसको फॉलो कर पाए. लेकिन वो मशीन इज आइडियल मशीन क्योंकि यहाँ पर जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%. कभी 100% नहीं आ पाती है वो. ओके चलो, एक एक्चुअल मशीन क्या होती है? एक्चुअल मशीन इज अ वर्क एनर्जी व्हेन आउटपुट एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट एनर्जी. क्या बोला गया? जो आउटपुट है हमारा वो हमेशा कम है हमारे इनपुट से. ठीक है, दैट इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन. यस, इट्स वेरी कॉमन बच्चों. देखो कोई भी मशीन चलेगी, कुछ ना कुछ साउंड होगा, कुछ ना कुछ हीट होगी, फ्रिक्शन होगा पार्ट में बॉडी के, तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी लॉस हो रही है ना. एनर्जी कहाँ जा रही है? इनपुट के पार्ट से तो जा रही है, इसीलिए आउटपुट पूरा नहीं मिल पा रहा है यार. बहुत सिंपल सी बात है, समझो यार.
हाँ कि ना, द लॉस इन एनर्जी कैन बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन, द मूविंग पार्ट इज इन नीदर वेटलेस और नॉर स्मूथ और फ्रिक्शनलेस। कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन होगा ना यार बॉडी के बीच में, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, द स्ट्रिंग एंड जब अगर वो बंधे हुए हैं तो जिस भी चीज से वो बंधे हैं वो कंप्लीटली इलास्टिक है कि नहीं है। कंप्लीटली इलास्टिक मतलब वो पूरी तरह से अपने पोजिशन को रीगेन कर ले आफ्टर बींग स्ट्रेस्ड, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब खींचो तो खिंच जाए, वो इलास्टिक नहीं है। हम पढ़ेंगे क्लास 11 और इलास्टिसिटी, अभी के लिए समझो कि कंप्लीटली इलास्टिक चीजें वो होती है जो अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल शेप्स, ठीक है। ओके, देन इट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड, मतलब उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो इतने रिजिड नहीं होते बच्चों, थोड़े से डिफॉर्म हो जाते हैं अपने शेप से, तो दैट इज व्हाई वहां पे लॉस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द मशीन्स, ये मशीन्स वाला पार्ट था हमारा, यह होप आपको समझ आया होगा, कवर हो गया मशीन वाला पार्ट। जल्दी से नारेबाजी कर दो समझ आ गया हो तो, एवरीवन शाउट लाउड अगर मशीन वाला पार्ट आपको आ गया है तो। थोड़ा डिटेल है यार ये चैप्टर, थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा टाइम लेगा, नो वरीज, आई विल टेक 20-30 मिनट्स मोर और वो खत्म कर देंगे, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, वो कट चुका है तो वहां पर हमारे पास लोड कम होगा। ओके चलो, यहाँ तक आ रहा है हमारे पास समझ में, मशीन वाले पार्ट तक आ रहा है। मशीन में क्या क्या पढ़ा सर, मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा, वेलोसिटी रेशियो पढ़ा, उनके उनके रिलेशन से हम लोगों ने पढ़ा इफिशियंसी को, इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में रिलेशन निकाला, और फिर लास्ट हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ मशीन की, एक्चुअल और आइडियल मशीन को समझते हुए। अब चलते हैं लीवर पे बच्चों, लीवर हमारे पास होते हैं तीन टाइप के। लीवर होते क्या है पर समझो, इस सिंपल मशीन मेड अप ऑफ रिजिड बीम एंड अ फल्क्रम, ठीक है। एक रिजिड बीम होगी, एक फल्क्रम होगा, उससे हमारे पास बनेंगे लीवर। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप कुछ फल्क्रम बन रहे हैं, फल्क्रम है, लोड है, एफर्ट है, इसी से बनेंगे हमारे पास अलग अलग लीवर्स, ठीक है। लीवर को याद करने के लिए शॉर्ट तरीका बता दूंगा, तुरंत याद हो जाएगा सारे के सारे अलग अलग लीवर्स। फिर समझो फल्क्रम क्या होता है, फल्क्रम क्या होता है बच्चों, फल्क्रम वो होता है, फल्क्रम वो होता है एक एक्सेस अबाउट विच द लिवर टर्न पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ लिवर कॉल्ड फल्क्रम, मतलब बेसिकली जहां से वो फिक्स होगा और उससे लिवर उससे कनेक्ट हो रहा होगा हमारा एफर्ट और लोड, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिस इज आवर फल्क्रम और ये हमारा देख रहे हो जैसा मोशन, एफर्ट लगा रहे हैं, लोड ऊपर आ रहा है, ठीक है। जैसा डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट अप्लाइड, डायरेक्शन ऑफ द लोड, द डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट इज हमारा एफर्ट आर्म, डी बोल दो उसको, दिस इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द लोड इज कॉल्ड लोड आर्म, दैट इज डी एल, ठीक है। चलो ये चार चीजें मतलब जरूरी है हमारे पास, एफर्ट, लोड, फुलक्रम, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म एंड डिस्टेंस ऑफ लोड आर्म, अगर ये बात समझ आ रही है तो वी आर गुड टू गो एंड मूव फॉरवर्ड। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या बोलता है समझते हैं भैया, प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या बोलता है, कहता है लीवर बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, कह रहा है वो मूवमेंट ऑफ हमारा लोड है, मूवमेंट मतलब जो टॉर्क है हमारा अबाउट द फुलक्रम वो बराबर होगा हमारा एफर्ट के, जो लोड का टॉर्क है टॉर्क ऑफ लोड जो है बराबर हो जाएगा टॉर्क ऑफ एफर्ट के, इतना सिंपल सा प्रिंसिपल है। अगर हमको एक मशीन्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना है तो उसका जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो गया, मतलब सिंपल कहने का मतलब उसका जो लोड ऑफ टॉर्क का जो हमारा लोड ऑफ टॉर्क है अगर वो लोड ऑफ एफर्ट के बराबर हो गया, फिर टॉर्क ऑफ एफर्ट के बराबर हो गया तो वहां पर हम लोग बोल देंगे कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीवर है। दोबारा समझते हैं, अगर हमारा टॉर्क ऑफ लोड बराबर हो जाता है टॉर्क ऑफ एफर्ट के, मतलब मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट द फल्क्रम इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फल्क्रम, देन वी कॉल इट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द लीवर। इसे करने के लिए क्या होना पड़ेगा सर, टॉर्क मतलब क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड है तो लोड का परपेंडिकुलर आर्म और एफर्ट है तो एफर्ट का परपेंडिकुलर आर्म, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफर्ट आर्म। तो कैसे अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे इस पॉइंट को आप देखो तो यहाँ पर हमारा लोड है तो लोड आर्म बन रहा है, वो बन रहा है बी एफ, ठीक है। तो लोड आर्म जो है हमारा, लोड आर्म जो है हमारा वो है बी एफ, और जो हमारा एफर्ट आर्म है, और जो हमारा एफर्ट आर्म है बच्चों वो क्या है हमारा एफ ए, ठीक है। तो ये हमारे लोड आर्म एफर्ट आर्म आके उनकी वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पे, तो लोड इंटू लोड आर्म, तो लोड इंटू बी एफ दैट इज लोड आर्म, एफर्ट दैट इज ई इंटू एफर्ट आर्म दैट इज ए एफ। इनकी रेशियो अगर हम निकालने पर ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, एफर्ट को उधर ले आओ, लोड अपॉन एफर्ट क्या जाएगा ए एफ अपॉन बी एफ, और लोड अपॉन एफर्ट को क्या बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा सर, ए एफ मतलब एफर्ट आर्म और बी एफ अपॉन, बी एफ मतलब हमारा लोड आर्म, ठीक है। ए एफ, ए एफ मतलब एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। दैट्स आवर मैकेनिकल एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द रिलेशंस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द लोड आर्म एंड द एफर्ट आर्म। तो क्या याद रखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये अलग है, देखो वहां पे कहोगे सर एमए क्या पढ़ा था हम लोग ने, एमए वहां तो पढ़ा था हम लोग ने लोड अपॉन एफर्ट, लेकिन यहाँ पर बच्चों आर्म की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, उल्टा होता है क्योंकि यहाँ पर ना लोड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लोड आर्म लोड से मल्टीप्लाई हो रहा है, एफर्ट आर्म एफर्ट के साथ करेंगे तो दोस्तों रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे आके, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया, तो बच्चों बोल सकते हैं हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, मैकेनिकल द लीवर इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एफर्ट आर्म
to the length of its load arm, length of the effort arm to the length of the load arm. This is known as the laws of the lever. बहुत ही बढ़िया. अब बच्चों हमारे पास अलग अलग टपके मिलेंगे फ्रॉम द अबव इक्वेशन. द एमए अब अगर लोड आर्म एफर्ट आर्म के बराबर हो गया तो एमए 1 हो जाएगा. दूसरा केस बच्चों देखो समझो ऐसे समझो एमए इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. ठीक है दैट इज ई ए अपॉन एल ए. तीन केस समझो. पहला क्या अगर हमारे पास एफर्ट आर्म और लोड आर्म बराबर हैं तो एमए की वैल्यू कट जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी. दोनों को डिवाइड करेंगे दोनों 1 हो जाएगा. दोनों बराबर होंगे तो बोलो हाँ की ना भाई. बोलो हाँ की ना भाई. बोलो भाई हाँ की ना. बोलो भाई हाँ की ना. हाँ की ना. हाँ की ना. हाँ की ना. दूसरा सुनो बच्चों अगर एफर्ट आर्म छोटा है लोड आर्म से. अगर एफर्ट आर्म छोटा है अगर ये छोटी वैल्यू बड़ी है तो बड़ी अगर छोटी को डिवाइड करेगी तो ऑब्वियसली वैल्यू इज लेस देन 1. तो एमए इज लेस देन 1. ये कब है बच्चों तो हमारा एफर्ट आर्म छोटा है लोड आर्म से. ठीक है तो एमए क्या हो जाएगा लेस देन 1. तीसरा क्या बच्चों अगर एफर्ट आर्म बड़ा है. अगर एफर्ट आर्म बड़ा है हमारा लोड आर्म से. अब ये वैल्यू बड़ी हो गई बच्चों एफर्ट आर्म बड़ा मतलब ये 5 है मान लो 3 है बच्चों तो वैल्यू तो कितनी आ जाएगी ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 बताओ हां कि ना भाई. ग्रेटर देन बन जाएगी वैल्यू हमारी 1 से बढ़िया जाएगी वैल्यू हमारी. ठीक है तो हमारी वैल्यू जाएगी यहाँ पे 1 से बड़ी. दोबारा समझो तो पहला केस क्या था मानो मानो लोड भी 5 है. लोड आर्म भी 5 है और एफर्ट आर्म भी 5 है तो 5 अपॉन 5 1 दैट इज 5 अपॉन 5 इज 1 दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1. अब मानो एफर्ट आर्म छोटा है लोड आर्म बड़ा है मतलब हमारा लोड आर्म जो है वो 5 सेंटीमीटर है और एफर्ट आर्म जो है 3 सेंटीमीटर है. ठीक है तो क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में एफर्ट आर्म जो है एफर्ट आर्म जो है वो छोटा है दैट इज 3 लोड आर्म जो है वो 5 है तो वैल्यू क्या मतलब 0.6 हो जाएगी लेस देन 1. लेस देन 1. अब उसका उल्टा कर दो. अब हमारा एफर्ट आर्म बड़ा कर दो लोड आर्म छोटा कर दो तो क्या हो जाएगा 1.6 राइट 1.66. तो देख पा रहे हो हमारे पास वैल्यू का चेंज आ जाएगा तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन हो जाएगा. तो यहां पे तीन केसेस निकलेंगे बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1. अब समझो बच्चों क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 लेवल की बात करेंगे. तीन डिफरेंट टाइप के लेवल होते हैं. कैसे याद रखना है आप एक चीज याद रखो बस एफ एल ई एफ एल ई एफ एल ई. जो क्लास 1 है बच्चों सबसे सिंपल बता रहा हूं जो क्लास 1 है उसमें फलक्रम बीच में होगा. जो क्लास 1 है उसमें फलक्रम बीच में होगा. ठीक है जो क्लास 2 है उसमें लोड बीच में होगा एफ एल ई उसमें लोड बीच में होगा. उसमें लोड बीच में होगा. जो क्लास 3 है उसमें ई बीच में होगा. उसमें ई बीच में होगा तो एफ एल ई ये क्लास 1 जिसमें फलक्रम बीच में है जिसमें लोड बीच में है वो क्लास 2 और जिसमें एफर्ट बीच में है वो क्लास 3. याद रखेंगे एफ एल ई कॉन्सेप्ट तो ये तीनों क्लास आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे. तीनों के तीनों बहुत आसान हो जाएंगे बच्चों. ठीक है चलो बात करते हैं क्लास 1 की. इफ द फलक्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड दैट्स वी कॉल एज क्लास 1. अब क्लास 1 का क्या हो गया बच्चों देखो क्लास 1 कैन हैव एनी वैल्यू बड़ी हो सकती है बच्चों छोटी हो सकती है और 1 भी हो सकती है. क्लास 1 अब डिपेंड करता है ना ये पास ला रहे हो ये दूर लेके जा रहे हो तो यहां पर हमेशा वैल्यू 1 भी हो सकती है ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वैल्यू इतनी ही होगी. देयर इज नो सच कंडीशन कि वैल्यू हैज टू बी 1 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1. एमए कुड बी इक्वल्स टू 1 लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 1 क्योंकि ये हमारा है ये अब लोड और एफर्ट डिफाइन करेगा क्योंकि कितना पास है कितना दूर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एफर्ट आम लोड आम चेंज होंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा. तो वी कैन नॉट से कि व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट वैल्यू इन आर केस इन आर दिस केस. ठीक है ओके मेरे बच्चों बहुत बढ़िया दैट्स क्लास 1. द क्लास 2 इज बच्चों इन व्हिच लोड एफ एल ई लोड इज इन बिटवीन. ठीक है लोड इज समवेयर इन बिटवीन द एफर्ट एंड द फलक्रम. अब समझो अब बहुत ध्यान समझो अब क्या पढ़ा हम लोग ने मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. अब देखो यहां से देखो ध्यान से अब जो भी आर्म होगा ना फलक्रम देखा जाएगा वो अगर आप देखो तो ये एफर्ट आर्म है ये हमारा एफर्ट आर्म है और ये हमारा लोड आर्म है. आप मुझे बताओ अब एफर्ट आर्म बड़ा है क्या क्या ये वैल्यू बड़ी है क्या ये वैल्यू छोटी है. हाँ कि ना बच्चों अब एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने वाली है. बोलो बोलो हमेशा एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म क्योंकि हमारे पास बीच में क्या रहेगा लोड रहेगा. अब मतलब हमारा फलक्रम
एक तरफ और एफर्ट एक तरफ, तो हमारी डिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगी बच्चों इन दिस केस. तो इन दिस केस वी कैन से द एमए इज ऑलवेज मोर देन वन, और मोर देन मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लायर. तो ये क्या होगा, फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा होगा. ये वहीं से आ रहा है, शुरुआत से ही आ रहा है सब कुछ. अलग नहीं है, देखो अगर आप लिंक कर पा रहे हो तो ये सारी कहानी वहीं से चल रही है, कोई बहुत नया चीज नहीं पढ़ रहे हम लोग. दोबारा से अगर हमारा लोड बीच में, तो बच्चों एक तरफ फुलक्रम एक तरफ एफर्ट होगा, कहीं हो सकता है इट कुड बी दिस इट कुड बी दिस, लेकिन अलग अलग होंगे, दोनों एक साइड पे नहीं हो सकते हैं क्योंकि बीच में तो लोड होने वाला है. तो एफर्ट और फुलक्रम अलग अलग होंगे. अब इसका फुलक्रम से जो एफर्ट का आर्म है वो ज्यादा है, लोड का आर्म कम हो जाएगा. तो एफर्ट आर्म लोड आर्म, एफर्ट आर्म बड़ा लोड आर्म छोटा, वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, बड़ा अपॉन छोटा दिस लाइक 5/3, राइट, वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. ओके कूल, चलो बहुत बढ़िया. अब थर्ड केस समझो, क्लास 3 लेवल. अब ई इज इन बिटवीन, एफ एल ई, ई इज इन बिटवीन, ई बीच में है. अगर ई बीच में है, एफर्ट बीच में है, तो लोड एक तरफ और फुलक्रम एक तरफ. अब देखो बच्चों, अब ये हमारा हो गया एफर्ट आर्म और ये हमारा हो गया लोड आर्म. एग्री कर रहे हो, ये हमारा है एफर्ट आर्म और ये हमारा है लोड आर्म. अब देखो ध्यान से देखो, तो लोड आर्म ज्यादा है, बोलो हाँ कि ना भाई. मैकेनिकल एडवांटेज क्या था सर, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. अब ध्यान से देखो तो लोड आर्म जो है वो ज्यादा है, बड़ा है, देन एफर्ट आर्म. तो मतलब क्या उल्टा केस हो गया, मतलब अगर हम लोग 5 वोल्ट 3 वाला कंपैरिजन करें तो अब हमारा एफर्ट आर्म छोटा हो गया, लोड आर्म बड़ा हो गया. क्या मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो गया भैया, क्या मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो गया. और लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लायर. लेस देन 1 मतलब स्पीड. सिंक इन कर लो करती चीजों को, देखो आराम से, वैसे जल्दी नहीं है, ठीक है, तीनों चीजों को आराम से सिंक इन कर लो, क्योंकि जब तक सिंक नहीं होगा ना आपको तब तक मजा नहीं आएगा. दोबारा समझो, क्लास 1 लीवर, क्लास 1 लीवर में एफ बीच में था, एफ एल ई एफ बीच में था, एफ बीच में था, तो फुलक्रम बीच में, लोड और एफर्ट इधर, लोड और एफर्ट इधर. से ये सीसो वाला केस, सबके एग्जांपल्स भी नीचे लिखे हुए हैं, आप उससे रिलेट कर सकते हो. इन द केस ऑफ सीसो, ये हमारा फुलक्रम है, ये एक हमारा मान लो ये हमारा एफर्ट है, ये हमारा लोड है मान लो. अगर अब देखो, अब ये लोड नीचे है, हम लोग इसमें फोर्स लगा रहे हैं इसको ऊपर लाने के लिए, तो लोड इसमें ऊपर आएगा, एफर्ट नीचे जाएगा. इससे क्या हमारा एक केस बन रहा है, जहां फुलक्रम से हमारा एक डिस्टेंस ऑफ लोड आर्म है, एक डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म है. अब ये क्योंकि दोनों इधर साइड हैं, तो इनकी वैल्यूज कभी भी ना चेंज हो सकती है, कुड बी लेस देन 1, कुड बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1, तो तीनों हो सकती है बच्चों इस केस में हमारे पास. ओके, लेकिन जो क्लास 2 है हमारे पास वो फिक्स रहेगा, क्योंकि उसमें लोड आर्म, लोड बीच में होगा, लोड बीच में तो एक तरफ फुलक्रम एक तरफ एफर्ट. जैसे कि ये केस देखो बच्चों, हमारे पास जो ट्रॉली होती है हमारी, ठीक है, उसमें क्या होता है, अब देखो ध्यान से, अब हमारा जो रिजिड पॉइंट है फुलक्रम वो आगे है, एफर्ट हम लोग यहां से लगा रहे होते हैं, लोड बीच में रख रहे होते हैं, बोलो आगे ना, यहां बहुत सारा सामान रख देंगे हम लोग, मैगी के पैकेट्स और चिप्स के पैकेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स और खूब सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स बीच में रख दिए हम लोग ने. अब यहाँ से हम लोग लगा रहे हैं भैया एफर्ट, ये हमारा बन रहा है लोड और ये हमारा है फिक्स पॉइंट फुलक्रम. तो हमारा लोड बीच में आ गया, एफर्ट और अच्छे डिस्टेंसेस चेंज हो गए, ये एफर्ट आम हो गया, लोड एफर्ट आम ज्यादा हो गया, देखो ध्यान से एफर्ट आम यहाँ पे ज्यादा हो गया, ठीक है. सब फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, जल्दी काम हो रहा है बच्चों, हाँ कि ना, सब फोर्स मल्टीप्लायर. थर्ड केस बच्चों, एफ एल ई, ई बीच में है, ई बीच में है, एक तरफ फुलक्रम एक तरफ लोड. जैसे कि जो हमारा फिश टाइंग नॉट जो होता है हमारा, जैसे हम फिश पकड़ते हैं, फिश हंट करते हैं, ठीक है, वो उसमें देखो क्या होता है, उसमें अब अगर ध्यान से देखो तो हमारा जो फुलक्रम है वो इधर फिक्स है, ठीक है, और हमारा इधर से हमारा ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं पिक करने के लिए, तो एफर्ट लग रहा है और लोड उस पे वही होगी हमारी खुद वही फिश, ठीक है. अब इसमें क्या होगा बच्चों, अब ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, हमारा जो लोड आर्म ज्यादा हो गया, एफर्ट आर्म कम हो गया, लोड आर्म ज्यादा, एफर्ट आर्म कम, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 इज अ गेन इन स्पीड, ठीक है, स्पीड मल्टीप्लायर, लेस देन 1 स्पीड मल्टीप्लायर, बहुत बढ़िया. अब ये कुछ एग्जांपल्स है ह्यूमन बॉडी के हमारे, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अब हमारा जो सर है, ठीक है, अब यहाँ से फिक्स है वो, जैसे रिजिड पॉइंट फुलक्रम हमारा, ठीक है, तो ये फुलक्रम हो गया, जब हम लोग ऊपर नीचे करते हैं उसको तो क्या होता है बच्चों, एफर्ट, इसको उठाने के लिए एफर्ट लग रहा है, हमारा जो फेस है उसका मास है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है उसमें, उसको उठाने के लिए ऊपर एक एफर्ट लगेगा. तो ये हमारा एक क्लास 1 लीवर का एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें फुलक्रम बीच में है, एफर्ट और लोड इधर इधर है. क्लास 2 लीवर का एग्जांपल देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि हमारा जो टो है बच्चों, ये देखो हील और टो जो है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगर हमने बॉडी को फिक्स कर दिया, ये हमारा फुलक्रम बन गया अगर, तो अब हमारा जो लोड है वो पैर का नीचे है, और हम लोग इसको अगर ऊपर करने, तो ऊपर एक स्ट्रेन आता है हमारे, हमारे नसों में स्ट्रेन आता है ऊपर की तरफ, खिंचाव आता है इसमें, ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, एफर्ट हो गया. तो अब देखो इसमें लोड बीच में हो गया, एफर्ट एक तरफ और फुलक्रम एक तरफ, क्लास 2 लीवर बच्चों. क्लास 3 लीवर देखो, ये हमारा क्लास 3 का मूवमेंट ऑफ हैंड का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है, मूवमेंट ऑफ हैंड का एग्जांपल. देखो ये हमारा फुलक्रम हो गया, यहां से हम लोग मास को पकड़ेंगे तो लोड हो जाएगा, और उसका पूरा जो लोड होगा वो हमारे मसल्स की मसल्स पे जा रहा होगा, दैट इज आर एफर्ट. क्योंकि यहां से जब डंबलिंग करते हैं हम लोग, सिंपली जब डंबलिंग करते हैं, ठीक है, डंबलिंग करते हैं, देखो मसल्स कहां की बनती है, बाइसेप्स बनती है. ये हमारा फुलक्रम,
ये हमारा फलक्रम, हम लोग डंबल पकड़े हैं, दैट्स आर लोड राइट, एंड वी आर पुशिंग फ्रॉम दिस साइड, अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम द बाइसेप साइड, तो बाइसेप बन जाती है हमारी, ओके डोले शोले, ओके दैट्स द केस ऑफ क्लास 3 लेवर। चलते हैं पुली में, बहुत ही छोटा टॉपिक है पुली वाला, क्योंकि इसका मैग मेजर पर हट चुका है, नथिंग मच टू स्टडी, हार्डली 5 मिनट्स लगेगा और पुली वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, तो बेयर विद मी फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड वी विल एंडिंग द सेशन, ओके चलो। अब पुली क्या होती है बच्चा, पुली एक मैकेनिज्म है कंपोज्ड ऑफ व्हील्स एंड रोप्स यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक सच, देख रहे हो आप लोग हैवी टॉल ऑब्जेक्ट्स को रोप के थ्रू हम लोग लिफ्ट कर पाते हैं, देखा होगा आपने जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहां पे हैवी लोड्स को उठाने के लिए मशीनरीज को यूज करा जाता है, देखा होगा आपने इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हम लोग को बहुत मास को पिक लिफ्ट करना होता है, वहां पर हम लोग ऐसे पुलिस का यूज कर सकते हैं, हम लोग लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट में होती है राइट, लिफ्ट में पुलिस होती है, तो उन्हीं का कुछ कॉम्बिनेशन है बच्चों, पुलिस आर मैकेनिज्म कंपोज्ड ऑफ व्हील्स एंड रोप्स यूज्ड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑनटू द टॉल हाइट्स। अब हमारे पास जो आ रहा है वो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम आ रहा है, वो भी हमारे पास सिंगल फिक्स पुली और मूवेबल पुली का आ रहा है, मल्टीपल पुलिस का नहीं है, तुमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में आ रहा है, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, दो इट इज देयर वो है यहाँ पर, लेकिन आई डोंट थिंक पढ़ाना रीजनेबल है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, ओके। तो ब्लॉक एंड ट्रैकर से समझते हैं भैया, ब्लॉक क्या होता है सर, ब्लॉक क्या होता है, अ सिंगल पुली और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पुलिस फिक्स्ड इन अ फ्रेम इज कॉल्ड ब्लॉक, टैकल क्या होता है, अ स्ट्रिंग व्हिच वाइंड्स अराउंड द पुली इन अ डिफरेंट ब्लॉक इज कॉल्ड एज टैकल, क्या कह रहे हैं सर, जब एक सिंगल पुली या कंबाइंड पुली आपस में फिक्स होती हैं थ्रू अ फ्रेम दैट वी कॉल एज ब्लॉक, और टैकल क्या होता है, जो वायर जो 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 रोप उनसे जा रही होती है, उन यू कैन से उन ब्लॉक से होकर जा रही होती है, उनको हम सोचते हैं टैकल, तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम मतलब वहां पे कुछ ब्लॉक्स होंगे, मतलब कुछ हमारे पास पुलिस होंगी और उनसे होकर कुछ हमारे वायर्स जा रहे होंगे, कुछ रोप्स जा रही होंगी, तो उससे बनता है हमारा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। पहला क्वेश्चन आता है बहुत ही सिंपल, सिंगल फिक्स पुली का, सिंगल फिक्स पुली मतलब एक रिजिड बॉडी से हम लोगों ने पुली को कर दिया फिक्स, तो जैसे हम लोग गांव से जब जब पानी निकालते हैं, ठीक है वेरी सिंपल एग्जांपल, पानी निकालते हैं हम लोग कुएं से, ठीक है वेल से पानी निकालते हैं, तो क्या होता है उसमें, अब यहाँ पर हमारी बकेट होती है राइट, इस बकेट को हम लोग ऊपर की तरफ खींचा चाह रहे होते हैं और नीचे तरफ एफर्ट लगा रहे होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा फलक्रम, बोलो हाँ कि ना भैया, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग मूवमेंट कराएंगे, ये हमारा हो गया भैया फलक्रम, भैया हाँ कि ना, भैया जी हाँ कि ना, हाँ कि ना, फलक्रम इधर हम लोग करेंगे बच्चों एफर्ट, और ये हमारा लोड ऊपर आएगा, बोलो हाँ कि ना, जितना हम लोग एफर्ट नीचे लगाएंगे उतना ही लोड ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक ही रोप है बच्चों, सिंगल सिंगल मूवमेंट पूरी मतलब एक रोप है, जितना इसको मानो हम लोग ने एक्स लेंथ नीचे खींचा, तो क्या ये एक्स लेंथ ऊपर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया, नहीं समझ आया बच्चों, मतलब अगर अगर हमने रोप 2 मीटर नीचे खींची, तो क्या रोप 2 मीटर नीचे खींचने से क्या बकेट 2 मीटर ऊपर आ जाएगी, बस सिंपल सी बात है भाई, ओके। अच्छा इसमें होता क्या है बच्चों, यहाँ पर जो फोर्सेस होते हैं ना उसको बैलेंस करना पड़ता है, तो फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं इसको समझने के लिए आपको फ्री बॉडी सिस्टम समझना पड़ेगा, पर 2 मिनट का टाइम देकर समझो, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो देख पा रहे हो यार ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कोई मास होगा और मास का जो नीचे डाउनवर्ड फोर्स होगा वो होगा एम जी, दैट्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऊपर क्योंकि हम लोग इसको ऊपर खींचना चाह रहे हैं, तो जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है ना बच्चों, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स आपस में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग टेंशन फोर्स, एक एक्शन का रिएक्शन फोर्स होता है, बोलते हैं टेंशन, क्या बोलते हैं टेंशन फोर्स, इट्स अ काइंड ऑफ रिएक्शन फोर्स दैट्स अगेंस्ट ऑफ द मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, अब ऐसे यहाँ पर एक टेंशन है, ऐसे यहाँ पर एक एफर्ट लगा रहे हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी एक टेंशन होगा, क्या ये बात समझ पा रहे हो, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, एक बॉडी का फ्री डायग्राम कि उसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं, अगर इस ब्लॉक की बात करें तो इसमें फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, अगर यहां से जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उसकी बात करें तो ये हमारा लग रहा है एफर्ट और इसका ऊपर लग रहा है टेंशन, तो कुछ यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस कर ले रहे हैं, बीच में ये पुली है जो कि मूव करेगी, इसे बोला है सिंगल मूवेबल पुली, तो ये सिंगल फिक्स पुली, सॉरी मूवेबल नहीं है बच्चों, फिक्स है, देखो ध्यान से, तो ये फिक्स्ड है, इट हैज नो स्पेस टू मूव, ये पुली ऊपर नीचे नहीं हो सकती क्योंकि ये फिक्स है इस पॉइंट से, दैट इज अ सिंगल फिक्स पुली की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग अभी, ओके चलो अब ध्यान से देखो हमारा इसमें क्या क्या चीजें थी सर, हमारा इसमें है लोड, क्या है लोड हमारा इसमें है लोड, ये हमारा है लोड, जो हमारा लोड है बच्चों अगर हम लोग इस सिस्टम को देखें, इस सिस्टम में अगर बैलेंस कंडीशन में होगा तो हमारा लोड टेंशन के बराबर होगा, मतलब जो लोड है नीचे डायरेक्शन में वो टेंशन के बराबर होगा, देखो ध्यान से, जो लोड था वेट ये बैलेंस कर रहा होगा टेंशन को, अदरवाइज अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो टूट जाएगा ये रस्सी, अगर रस्सी बैलेंस है, अगर रस्सी नहीं टूट रही, इसका मतलब क्या है लोड और टेंशन आपस में दोनों बराबर है, जो वेट है हमारा वही टेंशन के बराबर है, जो लोड है वही टेंशन के बराबर है, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 अभी के लिए, ठीक है अब उधर चलो इधर नीचे लग रहा है एफर्ट, ऊपर है टेंशन, यहाँ पे देखो इधर नीचे लग रहा है एफर्ट, ऊपर है टेंशन, नीचे लग रहा है एफर्ट, ऊपर है टेंशन, अगर
वायर नहीं टूट रहा, अगर रोप नहीं टूट रही, इसमें के दोनों बराबर हैं, तो इधर एफर्ट इधर टेंशन, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर टू। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दें बच्चों, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एल अपॉन ई इज इक्वल टू टी अपॉन टी, टी अपॉन टी मतलब वन, एल अपॉन ई, एल अपॉन ई वही क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल एडवांटेज। सो ऑन डिवाइडिंग या फिर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू डिवाइड इक्वेशन 1 and 2, so we'll be getting the ratio of L upon E, that is T upon T, कट जाएगा। फिर अगर आप ऐसा करते हो तो L, अगर आप add करते हो तो एक और रिलेशन बनेगा आपको, लेकिन ऐड करने की कुछ खास जरूरत है नहीं, ये T का हमें काम नहीं है, हमें लोड और एफर्ट का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर देगा हमारा MA is equals to 1, और MA is equals to 1 के साथ अगर एक और चीज देखो VR की, तो VR क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट। अब डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आम, जो तुम एफर्ट आम नीचे आएगा उतना ही लोड आम ऊपर जाएगा, देखो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है, अब इसका भी अगर अगर ये x मीटर नीचे गया तो ये x मीटर ऊपर आएगा, दोनों की जो डिस्टेंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगी, एफर्ट आर्म x, लोड आर्म x, दोनों सेम है तो दोनों की वैल्यू 1। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो रहेगा हमारा 1। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एफर्ट टू डिस्टेंस ऑफ लोड, दैट इज डिस्टेंस आर्म टू द लोड आर्म इन अ केस ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली, आंसर इज 1। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कभी कभार, तो बच्चों बहुत ही बना के रखेंगे इस क्वेश्चन को और समझते हुए चलेंगे। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी 1 होता है, वेलोसिटी रेशियो भी 1 होता है हमारा। बात करते हैं सिंगल मूवेबल पुली की, आई होप दिस इज नॉट कट एज पर माई नॉलेज, ये कट नहीं है, एक बार फिर भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा, बुक में मेंशन है आपके। अब सिंगल मूवेबल पुली जो होती है वो क्या होती है सर, एक जगह से वो फिक्स होगी, जैसे ये उसका रिजिड पॉइंट है, लेकिन अभी ये पुली यहाँ से ऊपर और नीचे हो सकती है, क्योंकि यहाँ से कोई फिक्स नहीं है। अगर उसको ऊपर खींचेंगे, अगर उसको पकड़ के हम लोग ऊपर खींचते हैं, तो भैया यहाँ से ये पुली भी ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी, तो उसको बोलते हैं सिंगल मूवेबल पुली। इसमें क्या होगा सर, देखिए अब इसका मास ये है, तो इसका mg ये नीचे, मतलब इसका वेट नीचे है, लेकिन एक टेंशन इधर ऊपर लग रही है, एक टेंशन इधर भी ऊपर लग रही है, तो इसमें दो टेंशन हमारी लग रही है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो पहले इस पार्ट को समझो, इधर क्या लग रहा है सर, इधर हमारा लग रहा है एफर्ट, इधर हमारा लग रहा है एफर्ट, एफर्ट हम लोग उसको ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है। तो अब समझो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ सर, यहाँ से इसको ऊपर, इसको ऊपर, तो ये हमारा क्या हो गया सर, अब जो इसका लोड है ऊपर, दो टेंशन को बैलेंस कर रहा है, देखो ऊपर कितनी टेंशन थी सर, एक ये टेंशन और एक ये टेंशन, तो इसका जो लोड है नीचे, जो लोड है नीचे डाउनवर्ड जो फोर्स है, ऊपर दो अपवर्ड फोर्स को बराबर कर रहा है वो, तो लोड इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ टेंशन, टी प्लस टी, दोनों को बैलेंस कर रहा है ये, तो 2t, और जो एफर्ट है, एफर्ट सिर्फ इस टेंशन को बराबर कर रहा है, इस वायर में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, एफर्ट और टेंशन, तो एफर्ट टेंशन को बराबर कर रहा है। अब इसको इक्वेट अगर करो आप, यहां से अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालो, दैट इज व्हाट, लोड अपॉन एफर्ट, डिवाइड करो लोड अपॉन एफर्ट को, तो लोड की वैल्यू थी 2t, एफर्ट की वैल्यू टी, टी से टी कट गया बचा 2, तो एमए कितना आ गया 2। सिमिलरली बच्चों इसका वेलोसिटी रेशियो भी होता है 2, वेलोसिटी रेशियो 2 होने का मतलब है कि सर अगर हमारा मास 2 मीटर ऊपर आएगा, तो हमारी ये लेंथ 1 मीटर ऊपर और ये लेंथ भी 1 मीटर ही ऊपर होगी, ठीक है, ऐसा, तो हमारे पास वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा 2। नाउ डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म इज ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ लोड आर्म, ठीक है। ओके बच्चों डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म, मैंने उल्टा बोल दिया, बच्चों 2-2 वाला केस, ठीक है, समझो ध्यान से, हमने कहा कि भैया लोड को बैलेंस कर रहे हैं ऊपर की दो टेंशन, लोड को बैलेंस कर रहे हैं ऊपर की दो टेंशन, ऊपर की दो टेंशन, टेंशन प्लस टेंशन, बहुत सारी टेंशन, टेंशन प्लस टेंशन, 2t, टी प्लस टी 2t, और एफर्ट टी, क्यों, क्योंकि एफर्ट और टेंशन दो ही दोनों इस वाले वायर में, तो एफर्ट वाले पार्ट में सिर्फ टेंशन है, लेकिन लोड वाले में ऊपर दो टेंशन है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ गया 2, सेम आ जाएगा हमारा डीई अपॉन डीएल, मतलब हमारा जो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म है वो 2 टाइम रेस कर रहा है, जब हमारा लोड आर्म सिर्फ एक पॉइंट पे 1 मीटर ऊपर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड आर्म का रेशियो 2:1, अब 2 पार्ट जब हमारा एफर्ट बढ़ेगा ऊपर, तभी 1 पार्ट हमारा सिर्फ लोड बढ़ पाएगा, क्योंकि उसकी लेंथ यहां और यहां डिवाइड हो रही होगी, तो अगर ये 2 मीटर जाएगा तो इसका 2 मीटर ऊपर जाने का मतलब है कि इसका ये पार्ट डिवाइड हो गया और ये 1 मीटर ही ऊपर आया इफेक्टिवली। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ये नहीं आ रहा है बच्चों आपके में, मल्टीपल पुलीज नहीं आ रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज नहीं आ रही, तो उसके में केस बात नहीं करेंगे, ये भी शायद नहीं आ रहा है 2 की पावर n वाला, लेकिन याद रखना बच्चों अगर 1 फिक्स पुली और अंदर मूवेबल होती है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो 2 की पावर n होता है, जहां पे n होता है नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज, ठीक है। ओके ये लेकिन आ रहा है शायद यूजिंग सेवरल फिक्स पुली इनटू 2 ब्लॉक्स, यहां पे याद रखना बच्चों अगर हम लोग बहुत सारी पुलीज को हम लोग एक ब्लॉक में, एक ही ब्लॉक में, मतलब एक ही सिंगल उसमें वर्कआउट करें, दैट इज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ये आ रहा है, हाँ ये आ रहा है,
ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा था आपके में, 2 की पावर n वाला, वन फिक्स्ड पुली एंड अदर मूवेबल पुलीज, ये नहीं आ रहा है, n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुली होता है, लेकिन माइंड में रख लो यार, छोटी सी बात है, काम की हो सकता है बन जाए आपके में। ओके चलो, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हमारा जो मैकेनिकल मॉडल होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ पुलीज यूज्ड इन बोथ द ब्लॉक इज n, दोनों को मिला के n है, एंड द एफर्ट इज बीइंग अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट टेंशन इज n सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग सपोर्ट्स द लोड, देयरफॉर वी हैव, क्या देखना, मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो नंबर ऑफ पुलीज के बराबर आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक से बराबर आ जाएगा, अगर तीन ब्लॉक हैं तो तीन आ जाएगा, मतलब तीन पुलिस हैं, चार हैं तो चार आ जाएगा, पांच है तो पांच आ जाएगा, ऐसा होता है कि ड्रॉ करना पड़ता है, तो ड्रॉ करने के लिए याद रखना बच्चों, हमेशा अगर इवन है नंबर, चार पुली हैं तो दो और दो में डिवाइड कर देना, दो और दो में डिवाइड करना, लेकिन अगर ऑड है तो मैं दिखाता हूं तुमको, ऑड वाला कोई एग्जांपल हमारे पास ऑड नहीं है, अगर ऑड होता है बच्चों तो हम लोग उसको थ्री और टू के पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद रखना बच्चों थ्री और टू के पार्ट में डिवाइड करते हैं, और अगर सिक्स होगा तो थ्री एंड सी, इससे ऊपर नहीं आएगा, टू थ्री फोर यही आएगा, थ्री फोर फाइव इज द मोस्ट कॉमन एंड प्रोमिनेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो भी हमारा एन के बराबर ही आता है, इतनी सी बात याद रखो बस इस वाले टाइप के लिए, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है हमारे पास, जब हम लोग वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक देते हैं तो ये पार्ट कैंसिल है, ये पार्ट नहीं आ रहा है, यही आप बस याद रखो कि अगर काफी सारी पुलिस ब्लॉक एंड टेकर सिस्टम एक साथ आ जाती है तो उसका वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एन के बराबर होता है, ठीक है, आई थिंक इतना सफिशियंट रहेगा, नोट्स बना के चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, इसका नेक्स्ट सेशन जो होगा वो न्यूमेरिकल वाला होगा, पूरा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उसको मजे से, सो डोंट मिस इट, और अभी इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मुलाज वो समराइज कर लो, उसका सिंगल पेज नोट्स बना लो, एक सिंगल पेज में पूरा नोट्स बना लो, जैसे कि आप तुरंत की तुरंत उसको रिकॉल कर पाओ जब भी आपको लास्ट मोमेंट पे जरूरत पड़े, दैट्स अ टिप फॉर द चैप्टर, आई होप यू ऑल हैव स्टडीड वेल, बुक से एक बार रीड करने का मौका मिले तो कर लेना, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, यहाँ सारी नॉलेज थी, अगर आपके पास इसको रिक्वायरमेंट हो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ द वीडियोस लाइक पीपीटी विद यू, जैसे कि आप लोग उसको देख के उसी को नोट्स को यूज कर पाओ, अगर मिस आउट हो गया हो तो, बट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन अटैच इट एज वेल, चलो टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग करेंगे इसकी आप प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ना छोड़ना, ऐसी कोई प्रैक्टिस में हम लोग बहुत अच्छे से कुछ कवर कर रहे होंगे, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बाय बाय, गुड नाइट ऑल।